हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद तो इसे आज हम आपको द विलेज सॉन्ग गांव के गीत, जिसकी पोइट्री हैं सरोजनी नायडू। द विलेज सॉन्ग गांव के गीत, इसमें एक सरोजनी नायडू इसमें एक माता और बिटिया के संवाद को व्यतीत किया है। कहने की तात्पर्य है कि एक माँ अपने लड़के की शादी करना चाहती है और वो लड़की इस सांसारिक बंधन से बंधना नहीं चाहती है, तो और इस बंधन से दूर होकर जाना चाहती है, तो उसकी जो माँ है वो कैसे उस अपने बिटिया को रोक रही है, तो उसी के बारे में हम आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हनी चाइल्ड, प्यारी बिटिया, प्यारी बिटिया, वाइटर आर यू गोइंग, तुम किस ओर जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, वुड यू कास्ट योर ज्वेल मतलब तुम अपने उस आभूषण को फेंक करके, ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, सुबह की मधुर हवाओं में, सुबह की मीठी हवाओं में, मधुर हवाओं में। तब बिटिया, वुड यू लीव, अब फिर माँ कह रही है, वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपने उस माता को छोड़ दोगी, हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स एज फेड यू, जो तुम्हारा पालन पोषण सुनहरे दानों से की है, जो तुम्हारा पालन पोषण सुनहरे दानों से की है। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने उस प्रेमी को छोड़ दोगी, हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, जो तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। तो आगे हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। चलिए स्टूडेंट, अगला पैराग्राफ देखते हैं, ध्यान से देखिए। मदर माइन, लड़की कह रही है, मदर माइन ओ मेरी माता, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, वह घना जंगल, आई एम गोइंग, जिधर मैं जा रही हूँ, वेयर अपान द चंपा बस, जहाँ पर चंपा वृक्षों की शाखाएँ, द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपक कलियाँ खिल रही हैं, टू द कोयल हंटेड, कोयल की प्रेतवाधित आवाज़ें, रिवर सीजल्स, नदियों की कलकल की आवाज़ें, वेयर लोटस लिलिस गिल्सन, जहाँ पर कमल और कुमदनी के फूल खिल रहे हैं या चमक रहे हैं, द वॉइस ऑफ द फेरी फोल्क, परियों की झुंड की आवाज़ें, आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही हैं, ओ लिसन, अरे सुनो। फिर माँ कह रही है कि हनी चाइल्ड, प्यारी बिटिया, प्यारी बिटिया, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, यह संसार आनंद से भरा हुआ है, और ब्राइडल सॉन्ग्स विवाह संबंधित गीतों से, एंड क्रेडल सॉन्ग्स और पालन वाले गीतों से, एंड सैंडल स्टैंड लेजरीज, और सैंडल स्टैंड लेजरीज मतलब होता है कि जो सैंडल सुगंधित से, योर ब्राइडल रॉब्स, तुम्हारे आर इन द लूम, तुम्हारे ब्राइडल रॉब्स मतलब होता है दुल्हन वाले पोशाक, आर इन द लूम, जो हाथ करघे से बिने हुए, अर्थात कहने के तात्पर्य जो हाथ से बिने हुए हैं, सिल्वर एंड सैफरान ग्लोइंग, जो सिल्वर और केसरिया रंग की तरह हैं, चमक रहे हैं, योर ब्राइडल्स केक्स, तुम आर ऑन द हर्थ, जो भट्टी पर पकाए गए केक या मिठाई, ओ वाइटर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो। द ब्राइडल सॉन्ग्स विवाह संबंधित गीत, अब लड़की कह रही है, द ब्राइडल सॉन्ग्स विवाह संबंधित गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग्स और पालने वाले गीत, हाइव कैंडेंस ऑफ सारो, दुख के ये सब प्रतीक हैं, ये सब दुख हैं, द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, जिस प्रकार सूर्य की किरणों की तरह ये खुशी के मौसम हैं, द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, और आने वाला जो हवा है वह आने वाला कल का दुख है, जो हवा है वह आने वाला कल का दुख है। कहने की ये तात्पर्य है कि जिस प्रकार सूर्य आने वाली खुशी है, और हवा जो है आने वाला दुख है, या हवा जो है आने वाले दुख की तारा हैं। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट, उस घने जंगल की मधुर आवाज़ें, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, उस दूर जंगल की मधुर आवाज़ें, जहां पर जलप्रपात मतलब झरने की आवाज़ें कलकल करके गिर रही हैं,
ओ मदर माइन, अरे मेरी माता, आई कैन नॉट स्टे, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, परियों का झुंड मुझे बुला रहा है। धन्यवाद स्टूडेंट, मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। जिस लाइन का अर्थ आपको अच्छा समझ में नहीं आया होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पुनः आपको उसका मीनिंग बता दूँगा। और इधर नीचे मीनिंग भी दी गई है, ध्यान से देख लीजिए। तो धन्यवाद स्टूडेंट, आप इसको बढ़िया से दोहरा लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सरोजिनी नायडू इसकी कवित्री हैं, ये हर साल एग्जाम में आता है, 10th वालों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।